तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल मोहित में। मेरा नाम है मोहित अग्रवाल। मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा, एडसेंस ने एक नया अपडेट डाला है। जैसे कि आपको सब तो पता है, यूट्यूब की मनी हर बार एडसेंस में जाती है। जब यूट्यूब में पैसा आएंगे वो आप एडसेंस में डाल के एडसेंस से आप बैंक में डाल सकते हो। लेकिन 2018 1 जुलाई से ये चेंज हो जाएगा। 2018 1 जुलाई से आपकी यूट्यूब की अर्निंग एडसेंस में नहीं जाएगी। मतलब इसका मतलब आपको सीटीआर सीटीपी सीपीसी की कोई की टेंशन नहीं है। मतलब जैसे आपके YouTube ने बहुत सारा कमा लिया, YouTube में अर्निंग बढ़ी है, फिर YouTube से आप एडसेंस में एक महीने के एंडिंग में ट्रांसफर कर सकते हो। ये YouTube का एक नया अपडेट है। तो चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि ये कैसा अपडेट है। आप जैसे ही अपना एडसेंस अकाउंट खोलोगे, आपको एक मैसेज दिख जाएगा ऊपर लिखा हुआ, प्लीज नोट दैट द अर्ली नेक्स्ट ईयर एडसेंस विल नो लॉन्गर शो यूट्यूब मैट्रिक्स। द बेस्ट प्लेस टू सी YouTube estimate earning other monetization metrics in YouTube analytics revenue report। इसका मतलब है आपकी जो YouTube की earning है अगली बार से monetization में show नहीं करेगी। मतलब 1 जनवरी 2018 से वो YouTube analytics में show करेगी। वहाँ पे YouTube analytics का option है, उस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया YouTube analytics खुल गया। तो अब देखते हैं analytics में क्या क्या नया अपडेट आया है। आप देख सकते हैं एनालिटिक्स में जो रिवेन्यू है वहीं पे आपकी एडसेंस अर्निंग अब से शो करेगी। और एडसेंस में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो महीने की एंडिंग में चेंज होगी। 1 जनवरी से ये यूट्यूब में अपडेट आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे एडसेंस की अर्निंग मेरे यूट्यूब में दिख रही है, वो पहले भी दिखती थी, लेकिन अभी 1 जनवरी से शायद कोई चेंजेस आएंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।